पीछे भीड़ देखिए, बहुत सारी भीड़ है और ये बहुत ही बड़ी टिक्की है। तो उनका कहना है कि वो मास्टर शेफ में फिलहाल वो अभी मैं आगरा में ताजमहल देखने के बाद, अगर आपको रात को कहीं घूमना है तो ये है सदर बाज़ार चाट गली और बहुत सारी फूड्स की वैरायटीज़ है यहाँ पे, बहुत सारी फूड्स की वैरायटीज़ है यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ ताजमहल देखने के बाद, आफ्टरनून ताजमहल देखा, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। अभी हूँ मैं फ़िलहाल आगरा और ताजमहल देखने के बाद आ गया हूँ मैं खाने के लिए सदर बाज़ार। तो भीड़ देखिए आप, पूरी भीड़ देखिए, ये है चाट गली और बहुत सारी यहाँ पे वैरायटीज़ है। ये है आगरा चाट हाउस, श्री अग्रवाल चाट हाउस, मोमोज, तो पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप सदर बाज़ार में बहुत सारी चीज़ ट्राई कर सकते हो, मैं रेंडमली कुछ भी ट्राई करूँगा जो मुझे डिफरेंट खाना है और मैं खा सकता हूँ। गर्मा गर्म मैंने वेज मोमोज मंगवा लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीस है वेज मोमोज। तो शुरू होते ही सॉस है यहाँ पे, ये है रेड सॉस, रेड टिक्की टिक्की चटनी, ऊपर से ये चाट मसाला डाला हुआ है और ये है मेयोनीज। अगर बात करूँ ना तो काफ़ी बड़े है, काफ़ी गर्मा गर्म है। अंदर स्टफिंग की बात करूँ तो कैबेज है, कुछ प्याज दिख रहा है। तो लेट्स टाइम ना गवाते हुए ट्राई तो मैं सीधा टिक्की वाली चटनी में खाता हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ही है। तो अभी माहौल है ठंडी का, मैं हूँ आगरा में ताजमहल और सदर बाज़ार में स्टार्ट करता है मोमोज। वाओ, बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर कैबेज काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुका है, बाहर का लेयर काफ़ी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, और वो तीखी चटनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया मेयोनीज और थोड़ा सा तीखा। वाओ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोमोज है, मैं ट्राई कर रहा हूँ प्लेन वाला ही। तो लेट्स स्टार्ट विद मेयोनीज। और ये यहाँ पे आलू टिक्की चाट नहीं बोलते, यहाँ पे भल्ला चाट बोला जाता है। तो मेरे पीछे भीड़ देखिए, बहुत सारी भीड़ है। मैंने फर्स्ट ट्राई किया था मोमोज से, अभी सेकंड में आ गया हूँ आगरा चाट, मैं आगरा चाट भंडार वहाँ पे भल्ला खाने के लिए, भल्ला चाट लाइक आलू टिक्की चाट। यहाँ पे आलू टिक्की नहीं बोला जाता, भल्ला बोला जाता है, बहुत ही फ्रेश, ये गर्मा गर्म। और ये कुछ आलू की कुछ बन रही है, इसको क्या बोलते भैया? ये है आलू चाट, गर्मा गर्म आलू देखो डीप फ्राई हो रहे हैं, शैलो फ्राई हो रहे हैं, और ये गर्मा गर्म भल्ला, और ये यहाँ पे पाव भाजी। और तो भी ये गर्मा गर्म भल्ला मैंने ले लिया है, भल्ला मतलब आलू टिक्की, यहाँ पे लोग भल्ला बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़ी टिक्की है, मतलब आप समझ सकते हो भल्ला ही है। और ये है मैंने मुझे एक द्राक्ष दिखा, थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी तीखी चटनी और ऊपर से ये धनिया, काफ़ी करारी और काफ़ी क्रिस्पी, अभी गर्मा गर्म ये धुआँ निकल रहा है, बहुत ही गर्म है और ठंडी में खाने की मज़ा। वाओ, वेरी क्रिस्पी, वेरी टैंगी टेस्ट, तीखी चटनी बहुत ही तीखी नहीं है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। आप धुआं देख रहे हो अंदर ना, इमली की चटनी वाली तीखी चटनी डाली हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत करारी है, बहुत ही बढ़िया। सब पास्ता यहाँ पे है, मास्टर शेफ रेस्टोरेंट, चीज़ बर्गर, गार्लिक सोया, वाओ, दैट्स ऑल अबाउट द सोया। क्या खाओगे क्या नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पिज्ज़ा और पूरा पैक्ड है, पूरा पैक्ड है, पूरा खाओ गली है पूरी खाओ गली है बोल सकता हूँ यहाँ आगरा की सदर बाज़ार। बहुत ही और छोटी छोटी रेस्टोरेंट थी बाहर, तो बाहर भी मैं ट्राई करूंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा वॉक कर लिया, दो चीज़ तो मैंने ट्राई कर चुका हूं, अभी मैं देख रहा हूं और क्या डिफरेंट मुझे मिलेगा यहां पे खाने के लिए। ये लिखा है सिंह,
मास्टर शेफ, पास्ता रेड एंड पास्ता वाइट। तो उन्होंने कुछ अलग ही मुझे ट्राई करने को बोला था, लेट्स ट्राई। पे उसके बाजू में है गार्लिक ब्रेड, सोया चाप, रुमाली रोटी। ये मास्टर शेफ जो प्रोग्राम था वो तो उनका कहना है कि वो मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने लिखा है सिंग मास्टर शेफ। सीरियल तो मैंने कभी देखा नहीं एपिसोड, तो क्यों ना उनका मैं पास्ता ट्राई करूँगा और सोया चाप देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो ये यहाँ पे चाप वगैरह मिल जाएगा आपको, और ये पूरा यहाँ पे पास्ता वाला है और अंदर बैठने की जगह है, तो लेट्स देखते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि पिंक सॉस ट्राई कीजिए, तो लाइक वाइट एंड रेड दोनों को मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली वो पिंक। काफ़ी वेट कर रहा था और काफ़ी सारे लोग ने मुझे यहाँ पे बात कर रहा था, काफ़ी भीड़ भी है, वो एक बाजू में एक दोस्त बन चुके हैं बात करते करते। तो उन्होंने मुझे और एक सजेस्ट किया, सोया चाप, क्रीमी सोया चाप आप ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, पूरी नाव बनी हुई है, क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है, गर्मा गर्म है, मैं सीधा ही ट्राई करूँगा। ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते हैं। पास्ता बहुत ही क्रीमी है, ज़्यादा तीखा नहीं है, बहुत ही प्लेन है, बट क्रीमी में बोल सकता हूँ, और डेफिनेटली पास्ता इटालियन क्यूजिन है तो वो क्रीमी है, बट इंडियन तड़का लगता है तो वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है इंडियन टेस्ट देने के लिए। दोस्त बैठे थे, उन्होंने ऑर्डर किया था सोया चाप क्रीमी, मुझे बोल रहे कि आप टेस्ट कीजिए, तो मुझे वो मौका मिल रहा है तो मैं वो पहले टेस्ट कर लेता हूँ, वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू। दैट्स रुमाली रोटी और ये है सोया क्रीमी चाप विथ ओनियन एंड सम ग्रीन चटनी, देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ओह बहुत ही बढ़िया है, हल्का सा खट्टा मीठा है, चाप बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और क्रीमी, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत बेहतरीन सजेशन दिया इन्होंने। पास्ता डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन सोया क्रीमी चाप विद रुमाली रोटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब। तो यार पास्ता, पिंक पास्ता बहुत ही रिच था, बहुत ही क्रीमी था, बहुत ही टेस्टी था, काफ़ी अच्छा फूड है, बहुत सारी जगह है, आप अपने हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से जो आपका दिल करे वैसा खा सकते हो। मैं थोड़ा सा बाहर निकल चुका हूँ, आगे अगर वॉक करता हूँ तो ऐसा पूरा फूड जोन है और पूरी ये मार्केट है कि अभी 8:30 बजने आए, फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी जूती वगैरह शॉपिंग चल रही है। तो बस जहाँ से शुरुआत की थी मोमोज की सदर बाज़ार में, उसके एग्जिट बाजू में ही मैंने अभी ये कुल्फ़ी वाला है, वहाँ पे फालूदा स्पेशल कुल्फ़ी फालूदा काफ़ी फेमस रहता है, बट मैंने ले ली अभी ये कुल्फ़ी, ऑलरेडी बहुत ही पैक्ड हूँ और वो क्रीमी पिंक वाला पास्ता खाने के बाद तो बहुत ही पैक्ड हो चुका और अभी जगह नहीं है, तो मैं कुल्फी से ये सीरीज़ का, सीरीज़ मतलब ये एपिसोड आगरा का सदर बाज़ार का विद ताजमहल में एंड करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ये एंड नहीं है, ये नए सफ़र की शुरुआत हो जाती है। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुखी रहो, खुश रहो।